आई वॉज हाईएस्ट रन गेटर, नॉट इन T20। T20 में ट्वाइस हुआ, फिर वन डे मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि मैं इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर होने के बाद भी अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ। बैड लक कह लो या कुछ कह लो, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या। मैं फुल डे ब्लैंकेट में मैं क्राई किया, टू बी ऑनेस्ट। और शाम को जब मैं नॉर्मल हुआ तो आई सेड कि आई विल मेक कम बैक। मुझे पता नहीं कब करूँगा, बट मैं करूँगा। मूल मंत्र है हमारा एक ओंकार सतनाम करता बोल, तो उसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। वो कोट मुझे हमेशा बूस्ट करता है जब भी मैं डाउन फील करता हूँ। बॉम्बे से जब मैं टूर्नामेंट अच्छा फिनिश किया मेरा, जो कि मैं हाईएस्ट रन गेटर था इंडिया में, और सारे स्टार्स उसमें खेल रहे थे, शिखर धवन, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, ऋषभ पंत, तो बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हुआ मुश्ताक अली का। फर्स्ट टाइम जोनल वाइज हुआ, सो आई वॉज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल जोन और मैं इंडिया में हाईएस्ट रन गेटर हुआ। और दो दिन बाद ऑक्शन था, तो आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस ईयर आफ्टर वेरी लॉन्ग 6-7 ईयर्स। जब मैं ऑक्शन के लिए बैठा तो सुबह सुबह ऑक्शन शुरू हुआ, तो मुझे फ़ोन आया बॉम्बे से प्रेस से कि वेयर आर यू और आपने क्या कर दिया। तो आई वॉज लाइक क्या कर दिया, तो कहता आपने बॉम्बे में प्लेटफॉर्म में गाड़ी चढ़ा दी है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इंदौर में हूँ। जब न्यूज़ चैनल खोला तो वहाँ पर मेरी प्रोफाइल थी और सारा नेगेटिव चल रहा था मेरे बारे में, मेरा नाम, मेरा प्रोफाइल था। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने वापस ऑक्शन चैनल ऑन किया और ऑक्शन देखने लगा, और मैं काफ़ी शाम तक वेट किया, तो शाम तक मेरा नाम नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे काफ़ी ख़राब लगा कि मैं इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर होने के बाद भी अगर मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा हूँ, तो देर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, मेरे पीछे कुछ ख़राब चल रहा है। मैंने फिर वापस न्यूज़ चैनल ऑन किया, तो डेट टाइम देर वॉज हरमीत इन सेम प्रोफाइल, सेम डेट नेगेटिव न्यूज़ फॉर हरमीत। तो तब तक ऑप्शन ख़त्म हो चुका था, तो वो बड़ा मुझे शॉकिंग लगा। मुझे हरमीत के लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, बट उसकी भी कोई गलती नहीं थी जो हुआ, जो उसकी लाइफ में स्टोरी हुई, जो मेरी लाइफ में हुई, तो दोनों बहुत ही बड़ा गैप है। ना ही हमारी उस दौरान बात हुई, हम साथ में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेले और काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं हम, आज भी हमारी बात होती है। काफ़ी चीज़ें फिर बाद में क्लियर हो चुकी थी, बट जो डैमेज हुआ वो सिर्फ मुझे ही हुआ। मैं फुल डे ब्लैंकेट में मैं क्राई किया, टू बी ऑनेस्ट। और शाम को जब मैं नॉर्मल हुआ तो आई सेड कि आई विल मेक कम बैक। मुझे पता नहीं कब करूँगा, बट मैं करूँगा। स्काई एक अभी अलग ही प्लेयर है, बट हम साथ में बचपन में खेले हैं, और वो आज जैसा बैटिंग करता है वो बैटिंग वो बचपन में भी सेम करता था। बट हाँ, अभी जो मेरी रिसेंटली उसके साथ बात हुई, तो मैंने भी पूछा इतने चेंजेस कैसे आए, तो उसने वो यही बोला कि मैं बचपन से जैसा खेलता था आज भी वैसा ही खेलता हूँ, बट थोड़ा सा थॉट मैंने चेंज किया। सो वो वैसा ही प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। उसने एक चीज़ अच्छी बोली कि मैच में खेलने की कोशिश नहीं करता वो, उसने एक अच्छी बात ये बताई कि मैं प्रैक्टिस में वैसे खेलने की कोशिश करता हूँ जो ऑटोमेटिक मैच में मुझे खेलना। तो काफ़ी अच्छा लगा कि आज ये सूर्या खेल रहा है आगे, और हम उसको देख रहे हैं और हम उससे सीख रहे हैं, शायद वो भी हमसे कुछ सीखता होगा देख के। ख़राब लगता है और कि आप उस स्टेज में नहीं हो जहाँ पे आप बचपन में साथ में खेलते थे, बट वही बात आ जाती है, अब टू कीप फाइटिंग। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में फेल हो गया था, तो मैं लास्ट बेंच में जाके बैठ गया फर्स्ट स्टैंडर्ड में वापस, जो मेरी पुरानी सीट थी। फिर जो न्यू स्टूडेंट्स थे, वो न्यू स्टूडेंट्स में मेरी गर्लफ्रेंड आई मेरे पीछे बैठी, तो मैं रो रहा था सडनली, मैंने ऐसे देखा, तो वो एक टाइम था कि जब अपन देखते हैं तो कि मुझे यही चाहिए, तो वो एक टाइम था मुझे। तो वहाँ से मोटिवेशन शुरू हुआ कि मुझे अब क्रिकेट ही खेलना है, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो फिर मैंने जाके 9th में प्रपोज किया था उसको, यस एक्चुअली मैं मिल गई, मेरी शादी भी हुई और 6 महीने पहले उसके साथ डिवोर्स भी हुआ। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ थी, जब आप फुल एफर्ट्स लगाते हो हर चीज़ के लिए और वो चीज़ आपके हाथ से चले जाती है, तो कोई नहीं, रिलेशन कैसा भी हो, अच्छा हो ख़राब हो, आज कोई भी जो लॉन्ग रिलेशनशिप चल रहे हैं आज तक, तो
उसमें भी आज भी अच्छे ख़राब होते हैं। अगर आप 80 ईयर्स ओल्ड कपल हो तो आज भी उनके बीच ख़राब होती है चीज़ें, अच्छी होती फिर ख़राब होती है, तो लाइफ का पार्ट है। बट वो चीज़ और अच्छी हो सकती थी, क्यों? क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम 2 साल पहले मिले और चीज़ें आगे बढ़ी और सडनली डिवोर्स हो गया। वो तो ठीक है, समझ में आता है, बट इतने सालों से जो कनेक्शन था वो टूटा, तो वो डैमेज तो मुझे बहुत हुआ। इमोशनल होने का टाइम ही नहीं मिला, और जो थॉट मेरे वार्म अप से लेकर टॉस तक थे, मुझे वही चीज़ पुरानी याद आती गई कि हाँ, मैंने तो सोचा ही था वो 2017 ब्लैंकेट में अकेले रोना, अकेले रूम में पूरा दिन निकालना, फ़ोन इग्नोर करना, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में एक बार क्लिक हुई थी। फिर मुझे ये भी था कि हाँ, मुझे तो पता था मैं आऊँगा, सो आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी कैजुअल, हाँ हाँ ये तो होना ही था, हाँ मैं करूँगा। सो तीनों मैच में मेरे साथ प्लान बी वाला काम हुआ, और फिर शिखर ने भी मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया कि दैट्स वाई वी टेक यू, योर एक्सपीरियंस ठीक है, इतने सालों से तू नहीं खेला, अच्छी बात है कि तू इमोशनल नहीं हुआ, तो और इमोशनल होके गेम खेला नहीं जाता, तो काफ़ी अप्रिशिएट किया, जो कि मुझे और अच्छा लगा, मैं और बूस्ट हुआ। मैंने काफ़ी कॉन्टेक्ट्स थे कि मैंने अच्छा करने के बाद भी कभी किसी को फ़ोन नहीं लगाया, और वो आप मेरे 12-13 साल के पीरियड में देख सकते हैं। काफ़ी प्लेयर्स को मैंने लीड किया, लाइक KL राहुल, मयंक, बट कभी मैंने सपोर्ट नहीं मांगा किसी से, जो मुझे आज भी काफ़ी बहुत अच्छा लगता है जब मैं मिरर में देखता हूँ तो। और आज जब मैंने 2023 में कमबैक किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे काफ़ी सालों से खेल रहा हूँ, तो वो पेशेंस मैंने काफ़ी रखा।